पर्दा हटा दूं अगर आप जाग रहे हैं, बोना सुभान अल्लाह प्यार के साथ है। ये बात कहना ये अकल से भी बिल्कुल बिल्कुल दूर की बात है कि ताजदार सदाकत ने हक नहीं दिया। पहली तो बात यह गई कौन है, हजरत सैयदा बुतूल पाक। तो मैंने कहा जिनके दिल में दुनिया की तलब ही नहीं थी वो दुनिया मांगने गई थी, नहीं तवज्जो फरमाई आपने। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है ना, तो मैंने कहा मांगी भी दुनिया। वैसे तो बड़ा बयान करते हो कि ईद वाले दिन कपड़े नहीं थे तो जिब्राइल लेके आए, वैसे हमारी आले सुन्नत की किसी मोतबर किताब में नहीं है, लेकिन हमारे लोग ऐसे बयान करते हैं, तुम बड़े पैसे फेंकते हो। मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में इन्होंने अर्ज किया, बाबा यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने का बहुत मसला है। तो अमीर अले सुन्नत दामद बरकातुल आलिया ने इनका हाथ में हाथ लिए, तकरीबन 11 से 12 मिनट इनके हाथ में हाथ बापा का था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से आज तकरीबन मार्च की 12 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से लेकर ये मार्च तक इनको मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ा और खुद मा खुद ऑटोमेटिक तरीके से इनका मोबाइल खुद मा खुद जो है ना कुदरती तौर पे चार्ज हो रहा है। वैसे हमारी आले सुन्नत की किसी मोतबर किताब में नहीं है, लेकिन हमारे लोग ऐसे बयान करते हैं, तुम बड़े पैसे फेंकते हो। ऐसे ना समझ और यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र लोगों को अपने स्टेजों पे ना लाओ, समझ आ रही है। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है, जिब्राइल पाक जोड़े लेके आ गए, तो जब बाग नहीं मिला था तो जिब्राइल पाक 5-7 फरिश्ते होर नाल ले आंदे और कह देते कि हटो परे बाग दे हो। ये तो सारी बात है। और फिर सैयदना मौला अली शेरे खुदा है जी, बिल्कुल। तो मैं क्या शेरे खुदा किस बात का है अगर बाग ना ले सका, तो मैं क्या शेरे खुदा किस बात का है अगर बाग ना ले सका, नहीं तवज्जो फरमाई आपने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं जहन साफ रखो, इस मैं लानत भेजता हूं फिर कवारियत पे, ना हमारे मुर्शिद की और ना इस आस्ताने की, ये तरबियत है। हाँ जब आले सुन्नत के किसी अकीदे पे डाका डले फिर जान जाती है तो चली जाए, हक वादे करके छोड़ेंगे। अल्लाह हमारे मुल्क को इस्तेकामत अता फरमा दे। जहां तक ताजदारे सदाकत की बात है, सुन लो मजमा उस ज़वायद में ये हदीस मौजूद है, दीगर कुतुब में हदीस मौजूद है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यकरहु फिस समाई अन यख्ता अबू बकर फिल अर्द, फरमाया अल्लाह जो आसमानों का मालिक है वो इस बात को पसंद ही नहीं करता है कि अबू बकर से कोई गलती हो जाए, अबू बकर से कोई खता हो जाए। और रब ने यह कानून नहीं बनाया वो अबू बकर और करे खता। ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है, यानी खता का इम्कान था और खता पर थी। और रब ने ये कानून नहीं बनाया वो अबू बकर और करे खता। ये फतावा रिजविया शरीफ की 14वीं जिल्द में, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा जो दूसरे को मासूम माने अहले सुन्नत से खारिज है। कुछ लोग कहने में ये कह जाते हैं कि सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम ही मासूम हैं और कहते हैं हमारा अकीदा है कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा मासूमा नहीं है, मगर अमलन लफ्जों में वो हकीकत ही मानते हैं जिसको शरीयत में मासूमा से ताबीर किया जाता है। तो इन लोगों का हुक्म और मासूमा कहने वालों का हुक्म शरीयत में एक ही है। और रब ने ये कानून नहीं बनाया वो अबू बकर और करे खता। हमारे उलमा और मशायख में एक तबका आज बड़ी धुआंधार तकरीरें कर रहा है कि हजारों लोग जो लफ्जों में तो मासूमा नहीं मानते, गैर मासूमा कहते हैं, मगर उनके जुमले उनकी तकरीरें उनकी वजाहतें वो ये साबित करती हैं कि ये लफ्ज बोले बगैर मानते मासूमा ही हैं। और रब ने ये कानून नहीं बनाया वो अबू बकर और करे फता। हालांकि हदीस शरीफ में लम्मक तरफ आदमुल खती आता हमारे अकल इस्लाम का फरमान है मुस्तदर के लिए हाकिम में, और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया शरीफ 30वीं जिल्द में उसका तर्जमा किया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खता का इर्तिकाब किया। अब साथ इज्तिहादी नहीं लिखा हुआ। और रब ने ये कानून नहीं बनाया वो अबू बकर और करे फता। ये रब ने कानून नहीं बनाया ये याद रख लें, ये हदीस शरीफ है मैं जो आपको सुना रहा हूं। मैं तो आपको मशवरा दूंगा अपने अक्सर जलसों में बुलाए डॉक्टर साहब को करें, बा मकसद बंदा है, बा मकसद बातें करता है, मुत्तकी भी है परहेजगार भी है।
اور علم کا سمندر بھی ہائے 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 ڈاکٹر صاحب کے لیے آپ دعا فرمائیں اور اپنا حصہ ضرور ملائیں، ورنہ رہ جاؤ گے اور تنہا رہ جاؤ گے۔ میری بات لکھ لیں آپ، تمہیں نہیں پتا ہے کنز العلماء کا وجود کتنا ضروری ہے اہل سنت کے لیے، تمہیں نہیں پتا ہے۔ ابھی یاد رکھنا، یہ جتنے کسی اور کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ وہاں ڈوبیں گے جہاں آپ کا نام و نشان۔ میری بات لکھ لو، اگر ان کی نسلیں راضی نہ ہو جائیں تو مجھے پکڑ لینا، ان کی نسلیں راضی ہو جائیں۔